सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शोक सभा आयोजन कर मजदूर नेता के करण को दी गई श्रद्धांजलि। आज पूना महतो सेवा संस्थान लेड़ी डूमर में शोक सभा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यूनाइटेड कोल वर्कर्स के रीजनल सचिव शत्रुघ्न महतो शामिल हुए। उन्होंने मजदूर नेता दिवंगत के करण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत कहा, उनका जीवन संघर्षशील सादगी से भरा था। उनकी छवि सदैव श्रमिकों के हित में लड़ने वाले संघर्षशील नेता के रूप में रही। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्रमिकों के हक में समर्पित कर दिया। अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। आज की परिस्थिति में के करण जैसे नेता का निधन हो जाने से हमारी व्यक्तिगत व मजदूरों को काफी क्षति हुई है। साथ ही उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके जीवन से जुड़ी यादों एवं उनके साथ बिताए क्षणों को याद किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य रूप से उपस्थित क्षेत्रीय सचिव संतोष गोराई, तुलसी साव, बिरंची शर्मा, नवल किशोर महतो, जगदीश साव, मोहम्मद शरीफ, रघुनाथ प्रसाद, अजय सिंह, सुदय सिंह, नंदू नोनिया, विपिन राय, वाल्मीकि यादव, जितेंद्र चौहान, छोटू राम, मिट्टू राम, आशीष यादव, मुरारी पांडे, मोहम्मद अरशद सिंह एवं अन्य उपस्थित थे। सबसे बड़ा दुख तो हमें हुआ है, क्योंकि हमारे घर से इनका बहुत पुराना संबंध था। हमारे पिताजी के समय से ही इन्होंने संबंध बनाए हुए थे। हमारे घर में हमको लग रहा है कम से कम 30-40 वर्ष पहले ये कहा करते थे कि आपके पिताजी के साथ बहुत पुराना संबंध था। अगर घर में हम खाना खाए हैं, आपके पास पिताजी से बैठे हम बात करते करते थे, हमेशा दुख सुख हमारे बीच बात करते थे। पहले के बाद तो सुन के हमको लगता था कि नहीं, ये जो बोल रहे निश्चित रूप से एकदम सच्चाई सच्चा बात बोल रहे थे। हमको भी याद है कि जब हम छोटे छोटे थे उसमें हमारे घर आते थे और हमारे पिताजी के साथ अच्छा संबंध रहने के कारण हमारे घर में आना जो लग रहा था एक अजय रूप में हम इनको मानते थे, हमारे पूरा परिवार गाजय को मानते थे। इसलिए आज काफ़ी दुख तो हमें है, खास करके पूरे धनबाद जिला में पूरे धनबाद एक आघात आघात पहुँचा है। हमें सर को मिल करके इनकी जो भी सोच जो सपना था मैं पूर्ण करने के लिए संपर्क संकल्प लेना होगा, तभी इनकी सही चिंता नहीं होगी। इसलिए हम चाहेंगे इनका बाकी जो हमारे से जो बाकी जो अपने फैमिली को छोड़ गए हैं उन सारे उन फैमिली को उनके परिवार को कैसे हम लोग लेके चलेंगे, कैसे उन्हें हिम्मत हौसला देंगे, ये भी हम लोग सोचना होगा। क्योंकि ये एक ईमानदार और संघर्षशील नेता थे, आज तक किसी से 1 रुपया लिया नहीं करते थे, अपने निस्वार्थ रूप से पूरी जिंदगी सेवा भाव से काम किए। इनका नाम आज भी पूरे जितने भी मजदूर यूनियन है सारे यूनियन का एक मदारे के रूप में सब सबको जानते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसके बाद हम लोग मिलेंगे इनका फैमिली से और बात करेंगे, जो भी कोई दिक्कत हो उनका फैमिली को कोई परेशानी ना हो ऐसे बात हमको ध्यान देना होगा। और हम चाहेंगे आज इस श्रद्धांजलि के अवसर पर आज लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे।